Good morning, everyone. Today we are discuss about the personality topic. Personality, basically हमने previous lecture में personality के बारे में पढ़ा था, उसके definitions, factors and Hippocrates classifications भी देखा था. तो आज हम उसी को continue करेंगे, next classifications की बात करेंगे, है ना? तो आज हमारा जो बेसिकली हम आज बात करेंगे क्रिश्चमर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी. हम लोग दिन हिपोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे कि हिपोक्रेट्स में मैंने बताया था कि हिपोक्रेट्स ने कॉलरिक, मेलनकॉलिक, फ्लैगमेटिक एंड सेंग्वाइन जो चार टाइप के पर्सनालिटी दिए थे आपको. और आज हम लोग बात करेंगे क्रिश्चमर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी. तो क्रिश्चियन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी में चार टाइप के पर्सनैलिटी हैं, लाइक मिक्स पर्सनैलिटी, एथलीट टाइप एंड एथनिक टाइप. सॉरी, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है, निक एंड एथलीट और एथनिक टाइप का पर्सनैलिटी होता है. तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे जो निक टाइप का पर्सनैलिटी होता है, तो ये क्या होता है. बेसिकली अगर आप इसको देखें तो दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. तो बॉडी के जो टेक्निक टाइप के पर्सनालिटी होंगे उसमें बॉडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी और उसके पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. तो यूनिक टाइप जो पर्सनालिटी है, तो बॉडी की बात करें तो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे पर्सन जो होते हैं, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी वो फैट होते हैं, मसल जो होगा कम होगा, फैट ज्यादा होगा. तो मोर फैट देन मसल्स, तो इसमें मसल्स कम होते हैं बट फैट बहुत ज़्यादा है. बट अगर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब बिहेवियर की बात करें, तो बहुत ये सोशली होते हैं, है ना. ये सोशली और हेल्पिंग टू अदर, ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं और बहुत ही सोशली होते हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे, है ना. और बहुत सोशल होंगे, दूसरों के साथ घुल मिल के रहते हैं. बट इनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो बहुत ही चबी टाइप के होंगे और फैटी होंगे. इनके मसल्स कम होंगे बट फैट ज़्यादा होगा. दूसरी बात करें एथलीट टाइप, एथलीट से नाम से क्लियर हो रहा है कि एथलीट टाइप क्या है. तो एथलीट टाइप में जो होते हैं बेसिकली हेल्दी बैलेंस होता है, ये हेल्दी बैलेंस होता है बिटवीन मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट. उनका बोन और मसल्स वो सब हेल्दी, जैसे एथलेटिक होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं, तो वो जो होते हैं एथलीट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, वो हेल्दी होते हैं, उनके मसल्स बोन सारी चीज़ें एकदम मेंटेन और बैलेंस रहते हैं. और इनका जो होगा बिहेवियर कैसा होगा, ये एनर्जेटिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे. ये एनर्जेटिक होते हैं, जो एथलीट टाइप ऑफ वाले पर्सनालिटी होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और वो किसी भी सिचुएशंस में एडजस्ट करने की कैपेसिटी उनमें होती है. अब हम बात करें लास्ट है एथनिक टाइप. तो एथनिक टाइप में अगर देखेंगे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये थिन एंड लॉन्ग टाल, नो मसल्स वाले बॉडी, ये थिन होंगे, टाल होंगे, कोई मसल्स नहीं होगी बॉडी में, एकदम थिन होंगे, पतले होंगे और कोई मसल्स नहीं होता है बॉडी में. और बेसिकली हम बात करेंगे इसके बिहेवियर का, तो बिहेवियर में अनसोशियबल, सारे पेसिमिस्टिक एंड ऑलवेज अलोन होते हैं, ये अनसोशल होते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं और बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं और ऑलवेज अकेला रहना पसंद करते हैं और ये सोशल नहीं होते. ये दूसरों के साथ घुल मिल के रहना, ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है. तो इन्होंने क्रिश्चमर ने ऐसा क्लासिफिकेशन दिया था कि बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है और उसकी बिहेवियर पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसके बेस में इन्होंने तीन टाइप दिया था, जो क्लिनिक टाइप की पर्सनालिटी है, एथलीट है एथनिक है. तो ये तीन टाइप ऑफ पर्सनालिटी दिया गया था क्रिश्चमर के द्वारा. अब हम बात करते हैं सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी. सेल्डन ने जो दिया था, तो पहला हमने देखा हिपोक्रेट्स जो पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन में, हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, क्रिश्चमर क्लासिफिकेशन. और अब हम थर्ड टाइप के बात करते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज सेल्डन क्लासिफिकेशन, जो सेल्डन ने दिया था. तो सेल्डन ने तीन टाइप के पर्सनालिटी उन्होंने बोली थी, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक होते हैं, है ना. तो एंडोमॉर्फिक किसको बोलेंगे, मीजोमॉर्फिक किसको बोलेंगे और इक्टोमॉर्फिक किसको बोलेंगे. तो हम सिंपल सा आपको समझाते हैं कि जो इंडोमॉर्फी होते हैं, नो मसल डेवलपमेंट एक्सेट्रा परमानेंट स्टमक, कोई मसल्स डेवलपमेंट नहीं होता है, स्टमक एक्स्ट्रा परमानेंट, पेट निकला हुआ रहेगा, है ना, कोई मसल्स डेवलपमेंट नहीं रहेगा, फैटी रहेंगे, पेट निकला हुआ रहेगा, तो ये क्या होते हैं, इंडोमॉर्फिक होते हैं. और इनकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, ये टेक एवरीथिंग इजी, सारी चीज़ों को इजी लेते हैं, यार चलो ठीक है, जो है अच्छा है,
है ना, सब चीज इजी, कोई टेंशन नहीं लेते हैं लोग इस टाइप के पर्सनालिटी में, और सोशल और अफेक्शनेट होते हैं, बहुत ही सोशली होते हैं, घुल मिल जाता है, ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, है ना, दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनसे सोशली हो जाते हैं तो, और लेकिन वो जो होता है उनमें मसल्स फैट भरे रहेंगे, पेट वेट निकला रहेगा, तो ऐसे ऐसे पोर्शन को हम बोल सकते हैं इंडोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अब दूसरी पर्सनालिटी का टाइप है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक मतलब बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्टमक एंड बोन, मतलब दोनों में बैलेंस है, मसल्स स्टमक और बोन में बैलेंस, मतलब मस्कुलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी, हेल्दी है, मसल्स हैं, है ना, तो इस तरह के जैसे जिमनास्टिक होते हैं जो जिम विम करते हैं, या जो भी हेल्दी पर्सन है, पेट वेट नहीं निकला है, मसल्स भी अच्छे खासे हैं, तो ऐसे पर्सन को आप मीजोमॉर्फ में रख सकते हैं। देन लीस्ट लाइक टू वर्क इंटरेस्टेड इन एडवेंचर एक्टिविटी, तो ये वर्क करना बहुत काम करना पसंद करते हैं, लाइक कोई भी काम उनको दे दीजिए बहुत ही एनर्जेटिक के साथ करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे, और इनमें कोई टेंशन नहीं होता है, और थोड़ा एडवेंचरस होते हैं, एक्टिविटी एडवेंचरस एक्टिविटी, कुछ नया करना चाहते हैं और इनोवेशन करना चाहते हैं, बहुत ही खुशी खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, कोई भी काम में सबसे आगे रहेंगे, तो ऐसे टाइप ऑफ पर्सनालिटी को हम बोलते हैं मीजोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अब लास्ट है एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। एक्टोमॉर्फिक वीक एंड टॉल एंड थिन, वीक होंगे, लंबे से होंगे और कमजोर होंगे, एकदम पतला सा होगा, है ना, जींस वींस पहनेंगे या शर्ट पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि चिपका हुआ है, एकदम लंबे से होंगे, बहुत ही कमजोर होते हैं, और परसिस्टेंट अनसोशल होंगे, ये परसिस्टेंट होते हैं और अनसोशल होंगे, किसी से लेना नहीं है, देना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, है ना, फ्रेंडशिप नहीं बनानी है, अकेला रहना पसंद करते, तो ये जो ये आपको एक्टोमॉर्फी वाले होते हैं, तो ये तीन जो सैल्डन ने तीन क्लासिफिकेशन इसके तीन टाइप दिए थे, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। एंडो मतलब आप याद रख सकते हैं, एंडोमॉर्फी में डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, उस डायग्राम से आपको क्लियर समझ आएगा। अब देखिए एक्सट्रीम इंडोमॉर्फी वाले क्या है, बेली निकला हुआ है इनका, है ना, बेली निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है, फैटी है, तो ये है, और मीजोमॉर्फी वाले मस्कुलर है, लाइक एथलीट टाइप, जो हमने एथलीट पढ़ा है क्रिश्चियन क्लासिफिकेशंस में, तो वो एथलीट टाइप होते हैं मीजोमॉर्फी, और इक्टोमॉर्फी मतलब टाल है, लंबे हैं, वीक हैं, पतले दुबले हैं, तो उसको इक्टोमॉर्फी टाइप ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं हम लोग। और ये जंग्स क्लासिफिकेशन, एक एक्स्ट्रा और क्लासिफिकेशन जंग्स क्लासिफिकेशन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, तो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट होते हैं, ये जस्ट लाइक, तो जंग क्लासिफिकेशन में इंट्रोवर्ट किसको बोलेंगे कि ये इंट्रोवर्ट है, है ना, लाइक किसी को आप बोल रहे हो कि यार ये इंट्रोवर्ट वाला है, इंट्रोवर्ट जैसे बिहेव कर रहा है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो ये सब्जेक्टिव होता है, सॉरी आइडियलिस्टिक होते हैं, इंट्रोवर्ट वाले आइडियलिस्टिक होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बेटर इनाइटी, और ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, है ना, खुद की चीज़ों को विश्वास करते हैं, खुद का डिसीजन मेकर होते हैं, है ना, और इनकी जो राइटिंग स्किल होती है बहुत सुंदर होती है ना, लिखना बहुत पसंद होता है, बहुत सुंदर से लिखेंगे, तो ये जो है इंट्रोवर्ट वाले होते हैं, और सब्जेक्टिव होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये सब्जेक्टिव होते हैं, जो बोलते हैं खुद बोलते हैं, दूसरे को ऑब्जर्वेशन या उस पर बिहेव नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, लाइक सोसाइटी वाले, है ना, सोसाइटी, रियलिस्टिक, इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, दूसरे पर्सन में लाइक सोशल होंगे, दूसरे में इंटरेस्ट रहेंगे, सोशल रहेंगे, लेकिन वैसा इंट्रोवर्ट में नहीं, इंट्रोवर्ट वाले अकेला रहना पसंद करेंगे, अपना का अपना से मतलब अपना ही लेना है बस, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट वाले जो होता है सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दूसरे से फ्रेंड बनाएंगे, बात करेंगे, वो सारी चीज़ें, बेटर स्पीच डोमिनेंट, बोलने में अच्छे होंगे, लाइक इंट्रोवर्ट वाले लिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट वाले तो बोलने में अच्छे होते हैं, तुरंत दोस्ती बना लेंगे, बात करने लगेंगे किसी से, अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे, है ना, और आपको खुश रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, तो ये जो होता है एक्सट्रोवर्ट होता है, एम्बिवर्ट मतलब एम्बिवर्ट जो लास्ट टाइप है वो बैलेंस होते हैं ना, दोनों तरह से होते हैं, वो बैलेंस करके चलते हैं। तो आज हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। Thank you so much.